ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। रुक करते हैं बेमेतरा की ओर, जहां मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नवागढ़ विधायक दयाल दास बघेल पहली बार बेमेतरा पहुंचे, जहां उनका स्वागत लड्डुओं से तौल कर किया गया। बेमेतरा पहुंचे नवागढ़ विधायक व मंत्री दयाल दास बघेल का बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका लड्डुओं से तौल कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साय सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन, धान के बोनस और खरीदी की घोषणा को अमली जामा पहनाने जा रही है। मंत्री बघेल के स्वागत में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू और किसान नेता योगेश तिवारी भी शामिल रहे। और संगठन प्रदेश के संगठन का माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये दायित्व तो दिया है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी दायित्व तो मिला है मुझे ईमानदारी निष्ठापूर्वक पूर्ण करेंगे। और छत्तीसगढ़ में अपने बेमेतरा जिले में गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए काम करेंगे, विकास कराएंगे। आज हमारा सबसे पहले मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी का गारंटी, जो हम लोग चार घोषणा किए हैं उसको हम पूरा कराएंगे। आज 25 तारीख को 2 साल का जो बोनस है उसको 25 तारीख को देने जा रहे हैं। और दूसरा, हमारी माता बहन है उनको 1000 रुपये महीना देने की बात हो उसको भी पूरा कर रहे हैं। और सबसे बड़े किसान भाइयों के लिए 3100 रुपये 21 क्विंटल धान उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। और सबसे बड़े मुद्दा है गरीब के, आज जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास है उसको भी हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं ताकि सभी गरीबों को आवास मिले। ये हमारी सरकार का सोच है, इसे हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। और लोकसभा चुनाव में पूरा सब जितने मंत्री पूरा सब मिल करके 11 के 11 लोकसभा सीट जिताकर भाजपा की झोली में डालेंगे। और सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये संकल्प लेकर हम सब निकले हैं। की बात है कि हमारे नवागढ़ के लोकप्रिय विधायक भाई दयाल दास बघेल जी को मंत्री बनाया गया, हमारे बेमेतरा जिला के लिए गौरवशाली इतिहास रहा। हमेशा भी वो पहले भी 3 बार मंत्री रहे, अब बेमेतरा के विकास में कई प्रकार किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। लगातार बेमेतरा तेजी से आगे बढ़ रहा, आगे भी बढ़ेगा। किसानों के क्षेत्र में लगातार कार्य करने की जरूरत है। हम लोग मंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाए। और हमें पूरा विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री बने है। यहाँ जो कृषि किसानों की जो समस्या है, लगातार जो यहाँ प्लांट लगाए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाएगी और किसानों की आर्थिक उन्नति होगी। इसी को लेकर आज हम लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत किया है, लड्डुओं से तौला है